भी मेरे साथ भी मारपीट किया गया है। रंजीत झा, खुशबू झा, उनके साथ जो जो आदमी आए हुए थे वो लोग किए। तो एक पुरानी कहावत है कि धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए। और अक्सर जानते हैं आज उनका मन बढ़ जाता है जो धन कभी नहीं कमाया है। नमस्कार अध्यक्ष जी, बिहार में आपका स्वागत है। और अभी हम पचरुखी बोर्ड के पास खड़े हैं और पचरुखी बोर्ड से हम क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, क्या आप दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं, इसको गौर से सुनने की जरूरत है। 2014 में इसी पचरुखी गांव से दो लोगों का नाम पूरे वैशाली लोकसभा में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें पहला नाम है रंजीत झा और दूसरा नाम है खुशबू झा। लेकिन आज हम रंजीत झा की बात नहीं करेंगे, आज हम खुशबू झा की बात करने जा रहे हैं। तो खुशबू झा की बात हम क्या करने जा रहे हैं, रंजीत झा की पत्नी खुशबू झा और उनके दयादिन में आज जो है महासंग्राम चल रहा है। और महासंग्राम भी इस तरीके से चल रहा है कि अनेकों प्रकार के असद और अमर्यादित आरोप सभी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, उसकी जब हम पड़ताल करने पहुंचे तो सच्चाई कुछ और सामने आया। महज आज से चार दिन पहले हमने एक खबर चलाया था कि फिल्म अभिनेत्री रंजीत झा के परिवार के लोगों ने उन पर लगाया मारपीट का गंभीर आरोप। लेकिन वह आरोप क्यों लगाया, इसको जानने की जरूरत है। तो रंजीत झा के साथ एक उनके मित्र रहते हैं और समार झा नाम का एक व्यक्ति इसी गांव का संतान है। रंजीत झा के घर पहले पूस का और खपरा पोस का हुआ करता था। महज पिछले 7-8 साल पहले रंजीत झा ने अपने नाम को सजाने के लिए पूरे वैशाली में, और नहीं पूरे उत्तर बिहार में नहीं बल्कि पूरे बिहार में और पूरे भारत के कोने कोने में एड़ी चोटी एक किया तो सुर्खियों के आसमान तक पहुंच पाए। ऐसे स्थिति में उस घर को जो ग्रामीण पैतृक घर है उस घर को सुंदर बनाने के लिए रंजीत झा ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से आग्रह कर कुछ जमीन को अनुदान के सहयोग में रख कर और टेढ़े घर को सीधा घर कर लिया। उसमें कुमार झा ने भी अपना 2-4 धूर जमीन दिया है। इस बात की जानकारी महज केवल रंजीत झा के पास है। अब मामला है संजीव कुमार झा और उनके जो अलग भाई, दो भाई हैं और उनके माँ है और उनके पिता है। क्योंकि माता पिता भाई ने ईट पर ईट रखकर नहीं बनाया है और इस बात का गवाह जो है यहाँ के ग्रामीण भी है। लेकिन ऐसे स्थिति में एक नया मामला जन्म ले लिया है और नया मामला ये जन्म ले लिया है कि रंजीत झा पर बाउंसर लेकर मारपीट करने का आरोप इनके भाई और माता पिता लगा रहे हैं। आरोप की जब हम पड़ताल किए तो पता चला कि रंजीत झा जब घर पहुंचे थे तो संजीव झा के आग्रह पर वो पहुंचे थे और संजीव झा ने उनको कहा कि आपके कथना अनुसार जब हम आपके घर बनने में सहयोग किए तो आप मेरे घर बनने में क्यों आपके भाई लोग अड़ंगा लगा रहे हैं और प्रतिदिन मारपीट का माहौल खड़ा कर रहे हैं और हम आपकी मान सम्मान के कारण कुछ नहीं कर पा रहे। रंजीत झा को ऐसा लगा कि अगर एक व्यक्ति की आजादी पर मेरे घर का ही लोग अगर अपराध करते हो तो ऐसा अपराध हम नहीं होने देंगे अपने जीते जी। क्यों? क्योंकि हम समाज के सम्मानित लोग हैं और समाज में मेरा सभी भाई, कोई जाति कोई नहीं हो लेकिन भाई सब है और किसी के भाई के साथ कोई भाई यदि अन्याय करता होगा, यदि मेरा स्वयं भाई भी अन्याय करता होगा तो वहाँ पर सत्य बोलने से हम पीछे
नहीं हटेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर अपने भाइयों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया और ऐसे स्थिति में उनको ऐसा लगा कि संजीत झा के सपोर्ट में रंजीत झा आ गए हैं और इसलिए पूरे घर के लोग विद्रोह में आ गए और विद्रोह में आकर जल्दीबाजी में खुशबू झा के रंजीत झा को वॉइस एसएमएस के माध्यम से अनेकों प्रकार की गालियों का बौछार किए जो कैमरे पर हम नहीं बता सकते हैं। इस बात को लेकर खुशबू झा ने काफी विरोध किया, यह कहा कि आपके भाई ने आपको गाली दिया वहां तक तो सही था, लेकिन मेरी बेटी को लगाकर इतनी गंदी गंदी गाली दिया है तो मेरी बेटी की क्या कसूर है। और इसी खुन्नस में खुशबू झा पटना से डायरेक्ट पहुंची कचुरखी गांव में, यानी इस बोर्ड वाले गांव में पहुंची। और जैसे ही खुशबू झा यहां पहुंची वैसे ही सवाल और जवाब की बौछार शुरू हो गई। खुशबू झा की भी उनके दियादिन ने पिटाई किया है और यह जो है आरोप दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन माँ का जो गंभीर आरोप है और जो आरोप पिता का है वह आरोप इसलिए है क्योंकि झा के सपोर्ट में रंजीत झा है। और इतना ही नहीं, मसला अब ये थाने में पहुंच चुका है और थाने में जीवन के करियर में आप काफी परेशानियों का सामना करते हुए अब तक आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बिहार में पहुंचा पहचान के मोहताज भी नहीं है, रंजीत झा नाम हुआ आपका। अभी ताज़ा मामला यह है कि आपके परिजन, हिंदुस्तान का ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसका आरोपी आपको नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे? रामायण से लेकर महाभारत तक, आदिकाल से लेकर अनंत काल तक इस धरती पे कोई भी कांड हुआ है, कोई भी युद्ध हुआ है, कोई भी घटना घटित हुई है, इसका प्रमुख कारण है लोभ। लोभ जब जब इंसान के अंदर पनपा है और लोभ जब जब हावी हुआ है तब तब इंसान की मानसिक संतुलन जो है खराब हो जाती है। जैसा व्यक्ति, लोभी व्यक्ति जैसा सोचता है उसके अनुरूप अगर काम नहीं होते हैं तो अंदर से टूट जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, बद्धवास हो जाता है, पागल हो जाता है। वैसे ही लोगों के लिए आगरा रांची में पागलखाने बने हैं, मेंटल हॉस्पिटल बने हैं। ये लोभ का कारण ये है कि मुजफ्फरपुर शहर में अखाड़ा घाट में हमारा एक मकान है, आधा जमीन हमारे पत्नी के नाम पे है, खुशबू झा के नाम पे, आधा हमारे माता जी के नाम पे है। हमारे भाइयों का हमारे ऊपर प्रेशर है कि आपकी पत्नी के नाम पे जो आपका जमीन और मकान है उसको आप हम लोगों के पत्नी के नाम पे लिख दीजिए और माता जी के नाम पे जो है वो भी हम लोगों के दोनों भाई के नाम पे आप लिखवा दीजिए। गांव में जो हमने मकान बनाया 2012 में, चार मंजिला मकान बनाया पचुरखी में, दोनों भाई का कहना है कि आप अपना मकान अलग बनाइए, इस चार मंजिल के मकान में दो दो मंजिल हम दोनों भाई बांट लेंगे। हमने कहा कि हम ठीक है इस मकान में नहीं लेंगे, हमको मकान बनाने का लागत तो कम से कम दोगे, बालू सीमेंट ईटा गिट्टी तो मेरे घर का नहीं है। उनका ये नहीं देने का नियत है कि नहीं हम नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे, इसके लिए वो जितने भी तरह तरह के षड्यंत्र रच सकते हैं। हिंदुस्तान के आपने कहे कि सभी आरोप लगाए उन्होंने, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी षड्यंत्र हैं वो सारे षड्यंत्र वो रच रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि मैं एक फिल्मी आदमी हूँ, एक व्यवसायी हूँ, जाना पहचाना हिंदुस्तान का चेहरा हूँ, एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ, आगे भी लड़ने वाला हूँ। हमारे इमोशंस, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे इज्जत, हमारे जज्बात के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और सिर्फ हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जब बताइए क्या मामला है? ये मारपीट हुआ है। किससे मारपीट हुआ? रंजीत झा, खुशबू झा। रंजीत झा और खुशबू झा, किस लिए हुआ है मारपीट, विस्तार से बताइएगा। जी कुछ नहीं है, आपसे मामला है और जमीन का कुछ अति है, उसमें जो है जमीन दूसरे का है, लेकिन रंजीत झा खुशबू झा आया अचानक वहाँ पटना से कल सुबह 10 बजे करीब में और हम लोग अचानक सब आदमी पीटने लगे। क्या चीज से पीट रहा?
कोई डंडा से पीट रहा था, कोई पाइप लेट लिया वाइपर वाला जो है और बेसिन का पाइप पीटने लगे और ले जाकर मुझे बाथरूम में ले गया और बाथरूम में गंदे नाले के पानी जो है डायन डायन करके चिल्लाने करके डायन डायन को पिलाया। किसको पिलाया? जी हमको पिलाया। कौन पिलाया? खुशबूजा। रंजीत झा कौन है? दोनों मेरे भैसी हुए हैं और जेठानी हुई। पटना में क्या करते हो लोग? वो लोग बिल्डर का काम करते हैं पटना में, बिल्डर। और भी कुछ है रंजीत झा का? जी फिल्म का अति भी है, फिल्म का है पहले नजर का सलाम फिल्म भी अति किए हैं, डायरेक्शन भी किए। जी जी जी। और यहाँ घर पे मोतीपुर में भी उनका ईटा का फैक्ट्री खुला हुआ। अच्छा, तो फिर जो मारपीट होने हुई तो क्या क्या हुआ? मारपीट होने का कारण क्या है? कुछ नहीं है, वो दूसरे के चक्कर में जमीन का विवाद है, विवाद के कारण मारपीट की। क्या चाहते हैं आपको? जमीन नहीं देना चाहते? नहीं, जमीन नहीं देना चाहते। नहीं जी, इसलिए राजीव झा से, राजीव झा से झगड़ा हुआ था। हाँ। और उसके चक्कर में आके हम लोग को पीटे। डायन का भी आरोप लगाते? हाँ, मतलब लाए जबरदस्ती करने पे पूरा चिट्ठी उखाड़ दी ये। हाँ। और मेरा इतना जो है बाल पूरा नोच के खुशबू झा, ये बताऊंगा खुशबू झा क्या करती है? खुशबू झा के साथ राजीव झा थे, प्रीतेश झा थे, विकास झा है, रंजीत झा है, पांच लोग। रंजीत झा चुनाव भी लड़े हैं क्या? जी, लोकसभा चुनाव। कहाँ से लड़े थे? मोतीपुर से। वो लोग मेरे से छोटे हैं रिश्ते में भी, उम्र में भी साथ छोटे ही हैं, तो उन पे ज्यादा कहना सही नहीं होगा, लेकिन जो वो लोग बोल रहे हैं मोबाइल लूटना, मारपीट करना, अगर मारपीट हम करने गए रहते तो मेरा ये हाल जो आज गला का है वो नहीं रहता। क्या हुआ गला में? गला में हम तो वहाँ गए थे ससुर से बात करने, मेरे कंपनी में फ्रॉड करके संजीत झा इतने साल से था तो गमन करके गया था, और उसका नंबर मेरे कंपनी का नंबर था जो हमने बंद करवा के उसको एक महीना पहले यहाँ से निकाल दिए थे। जो भाई अब आप अपने घर पे रहिए, लोगों का कस्टमर का पैसा ले ले करके रखते थे, सूचना हमको मिली कस्टमर के द्वारा तो हम उनको निकाले, तो मोबाइल का सिम बंद हो गया पर व्हाट्सएप कॉल उस पर करके कस्टमर को उल्टा पुल्टा बोलते थे, तो हम उनको समझाने के लिए अपने ससुर से दो दिन पहले बात हुई थी, जो देखिए ये गलत कर रहे हैं, कंपनी का रिपोर्टेशन उससे गलत हो रहा है, पैसा उन्होंने जो लिया वो आखिर भाई तो उनके हैं, कोई भी बोल रहा है तो भरना तो हमें को पड़ेगा, लेकिन अभी से भी उनको बोलिए ये सब काम ना करें। उस टाइम मेरे ससुर बोले ठीक है हम बात करके उससे उसके मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल हटा देंगे, जो मोबाइल वो यूज कर रहे हैं वो भी मेरे भाई के नाम का मोबाइल है, तो वो भी मोबाइल हम ही उनको दिए हुए हैं, हम उनको बोले सिर्फ आप सिम से व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मोबाइल पे रिकॉर्ड करके गाली गलौज करने लगे। यहाँ से हम गए थे बात करने ससुर से, ये आप उनको बोलिए ऐसा काम ना करें, मेरी छोटी वाली दादी और बीच वाली जयंती दोनों को हम बहन मानते हैं आज भी और मानेंगे, वो लोग छोटा सोच रख सकता है पर मेरे लिए बहन समान है, गोपनी है, उसको कभी नहीं इनकार करेंगे, कभी भी वो तकलीफ में रहेगी इतना के बाद भी तो सबसे पहले हम ही देखेंगे। अलियापुर थाने में फर्द बयान के रूप में गैर जमानती धारा के तहत जयंती झा ने दर्ज करवा दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता हो तो क्या उसके साथ यह होना चाहिए, और अगर यह होना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।